कैसे अलग अलग दिखाता है, इतनी अलग अलग फैक्ट्री रह जाएगी तो सरकार की केंद्र सरकार
ना ही आने वाली भाजपा सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है कि हम उसे निजीकरण करें या डिसइन्वेस्टमेंट करें या कुछ भी करें, ऐसी कोई योजना नहीं है। हमारे विरोधी हम पे आरोप लगा रहे हैं, निजीकरण नहीं करेंगे। और हमारे विरोधी हमें हमारे बारे में इसी छत्तीसगढ़ में भी बक्सर के बक्सर के महाराजा प्रवीण चंद्र मंच 2020-21 में भूपेश बघेल जी ने कहा है सारे गणना हमारे पास जारी कर दी, अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए जातीय जनगणना होते रही, लेकिन जनता मुक्त नहीं। आज बस्तर की जनता, यहाँ की जनता की बात करें तो वो अपने बेसिक चीज से परेशान, उसका रोजगार, उसकी आमदनी, उसके जीने रोज बढ़ने का तरीका, और उसके कारण टारगेटेड किलिंग, उसके कारण करप्शन, उसके कारण नक्सलवाद। मैंने इसके स्क्वायर में क्या कहा, अलग अलग कानून है। अब आप देखिए कांग्रेस की सरकार आती है कर्नाटक में, अगले दिन धर्मांतरण में लागू हो जाता है। तो जब तक पॉलिटिकल विल नहीं हो, हम ठीक है, हम धर्मांतरण के खिलाफ है। क्या कांग्रेस धर्मांतरण के खिलाफ है? रेल वाला जो आपने कहा था कि जगदलपुर का शिलान्यास हुआ, भूमि पूजन हुआ, निश्चित तौर पर रेल मंत्रालय में उसका प्रोजेक्ट गया हुआ है। ये बिल्कुल प्रयास है, खासकर ये इस्पात कारखाना होने के बाद, क्योंकि अगर नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं होगी रेल से, इस बात का पूरा उपयोग नहीं हो पाएगा। तो निश्चित तौर पे ये